इंडियन सिनेमा में काफ़ी सारे रीजनल मूवीज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम होते हैं, स्पेशली इफ़ यू वॉच मूवीज़ फ्रॉम बंगाली एंड मलयालम इंडस्ट्री। बट कन्नड़ा इंडस्ट्री यानी कि कर्नाटका की मूवी इंडस्ट्री में ये चीज़ थोड़ा कम मिलता है। इस इंडस्ट्री में मैच्योर फिल्म थोड़े से कम रिलीज होते हैं, मोस्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड मूवी मिलेगा यानी कि हीरो हीरोइन विलन एंड थिंग्स लाइक दैट। बट 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी लूसिया बोल के, जिसने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया। इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये मूवी क्राउड फंडेड थी। यानी कि इसे रेगुलर इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स ने नहीं बनाया, इस मूवी को लोगों ने, जो ऑडियंस थे, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। उसकी बैक स्टोरी समवॉट लाइक दिस। तो इस मूवी के जो राइटर एंड डायरेक्टर है पवन कुमार, उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स के पास गए मूवी इंडस्ट्री में टू फाइनेंस इस मूवी। और मोस्ट प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी को डिनाई कर दिया बिकॉज मूवी थोड़ी हटके थी, मूवी कंटेंट में काफ़ी स्ट्रांग थी। तो उसके बाद ऑब्वियसली पवन कुमार एम गेसिंग थोड़े से निराश हो गए, वो घर वापस आए और उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट डाला कि मैं एक मूवी बनाने जाने वाला हूँ लूसिया नाम का, और उस मूवी के बारे में उन्होंने सिर्फ 2 या 3 लाइंस लिखी और उसके बाद एक लिंक दे दिया कि अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प करो। और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिलेगी इस तरीके से, बट विद इन 1 मंथ उन्हें 51 लाख रुपीज मिला। वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने उस मनी को यूज़ किया ये मूवी बनाने के लिए। 51 लाख रुपीज मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक यू नीड मोर मनी देन दैट, बट फिर भी उन्होंने उस कम बजट में मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से शूट किया। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनका जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो एक्चुअली IT कंपनी में जॉब करता है, एंड बिकॉज उन्हें ये सब फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, ही हैड टू हायर नॉन प्रोफेशनल पीपल, बट देन अगेन उन्होंने काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक को भी एग्जीक्यूट किया मूवी में, एंड मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी लो था। सो इस मूवी का प्रेमिस इज समवॉट लाइक दिस। इस मूवी में एक सेंट्रल कैरेक्टर है निक्की बोल के। ನಮ್ಮೂರು ಮಂಡೆ ತಾವಿರು ಕುರಿಕೆಂಪ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಿ ಈ ಸಂತಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ನಂಡೂರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪಟಪಟಿ ದೋಸ್ತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟಾಕಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಸಖತ್ತಾಗದ. और उनकी काफ़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी है। किसी तरीके से उन्हें एक पिल मिल जाता है लूसिया बोल के, और वो पिल खाने के बाद आदमी जो भी बनना चाहे वो अपने सपने में बन जाता है। तो वो हर रात दिन भर ड्यूटी करके जब रात को वो पिल खाते हैं और सपने देखते हैं तो वो सपने में एक मूवी स्टार होते हैं और उनके पीछे लोग भागते हैं और वो काफ़ी इन डिमांड है, बहुत ही रिच एंड लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। एंड मूवी के 2 मेन ये प्लॉट्स हैं, एक नॉर्मल एवरीडे सिनेमा अशर की लाइफ और एक सुपरस्टार की लाइफ। और इन 2 मेन प्लॉट्स के अलावा मूवी में काफ़ी सारे सब प्लॉट्स भी है। एक सब प्लॉट है जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। Who is this girl? एक सब प्लॉट में उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज के ऊपर कमेंट्री दी है। एक सब प्लॉट में उन्होंने स्टैंड अलोन सिनेमा के डिक्लाइन के बारे में डिस्कस किया है कि लोग आजकल स्टैंड अलोन सिनेमा जाना पसंद नहीं करते। तो ये काफ़ी सारे सब प्लॉट्स और प्लॉट्स है, एंड मूवी नॉन लिनियरली इन प्लॉट्स के बीच में शिफ्ट करता है, यानी कि चीज़ें एक के बाद नहीं होती है। इन सब प्लॉट्स के बीच में मूवी नॉन लिनियरली शिफ्ट करता रहता है, एंड दिस वॉज अ वेरी ब्रेव डिसीजन बाय द डायरेक्टर। आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहे तो दिस मूवी डिड नॉट वर्क दैट वेल फॉर मी, बिकॉज मुझे लगा कि ये जो प्लॉट्स के बीच में शिफ्टिंग है इसका एग्जीक्यूशन इतने अच्छे से नहीं हो पाया, थोड़ा ड्रैग किया। इसके अलावा मुझे लगा सॉन्ग्स अननेसेसरी थे, काफी ज्यादा सॉन्ग्स है जो कि डिविएट कर रहे थे मेन स्टोरी लाइन से। द थिंग विच डिडंट क्लिक विद मी द मोस्ट वाज दैट कि मुझे लगा मूवी काफी ज्यादा इंसेप्शन मूवी से इंस्पायर्ड है, तो थोड़ा सा ओरिजिनैलिटी में मुझे कमी लगी मूवी में। बट देन अगेन दैट इज माई ओन ओपिनियन एंड यू शुड टेक माई ओपिनियन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप मूवी खुद से देखे और खुद से डिसाइड करें कि आपको मूवी पसंद आई या नहीं। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूवी इज द फर्स्ट कनाडा फिल्म टू हैव अ प्रीमियर इन अ लंडन फिल्म फेस्टिवल, और दैट्स इट आई गेस। आप ये मूवी को देखिए एंड डू टेल मी इफ यू लाइक इट और नॉट। और नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी विल बी डिस्कसिंग अ मूवी कॉल्ड मुक्ति भवन, जो कि कुछ महीनों पहले लॉन्च हुई थी, एंड सी यू गाइस अगेन। बाय बाय।